बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अफजाल फ्रॉम लाहौर प्रॉपर्टीज़। आज मैं आपको टूर करवाने लगा हूँ 10 मरले का मॉडर्न लुक का बहुत ही खूबसूरत घर, जिसकी लोकेशन है सेंट्रल बारक हाउसिंग स्कीम जी ब्लॉक। घर की डिमेंशन है 35x65। घर का मुकम्मल टूर करेंगे, इसकी प्राइस भी इसी वीडियो के दरमियान आपके साथ शेयर करूँगा। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, रॉक वॉल और टाइल वर्क के जरिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। इसी के साथ स्ट्रीट व्यू करते हैं तो यहाँ पर आपको 40 फुट का कारपेट रोड मिलता है। सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम जो कि LDA से अप्रूव है, मुकम्मल तौर पर यहाँ पे आपको तमाम यूटिलिटीज़ मिलती हैं। घर के अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो ये इसका मेन डोर आप देख सकते हैं, CNC वर्क के ज़रिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। बढ़ते हैं इसके गैराज की तरफ, पहुँचते हैं तो यहाँ पर आप ईज़िली 3 बड़ी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। नीचे टाइल वर्क आप देख रहे हैं और इसी तरह सामने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर वॉल डिज़ाइन की गई है। दीवारों के ऊपर मुकम्मल तौर पर टाइल वर्क मिलता है और ऊपर सीलिंग डिज़ाइन पोर्च एरिया का। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ की स्पेस आप देखें, यहाँ पे बाउंड्री वॉल के ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क किया गया है। अगर हम बात करें एकोमोडेशन की तो यहाँ पे टोटली आपको 6 बेडरूम की एकोमोडेशन मिलती है इस घर के अंदर। और ये इसकी बैक 5 फुट की स्ट्रीट। और इसी से हम बढ़ते हैं घर के अंदर की तरफ, फर्दन घर के अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 डोर मिलते हैं, एक ड्राइंग रूम का और एक लॉबी एरिया का। लॉबी एरिया जो कि कनेक्ट करेगा हमें 1st और 3rd फ्लोर के साथ, मेन डोर जो कि सॉलिड वुड के डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे दाखिल होते हैं तो यहाँ पे हमें मिलती हैं स्टेयर्स 1st फ्लोर के पर जाने के लिए, नीचे गैलरी डिज़ाइन की गई है और ऊपर सीलिंग डिज़ाइन लॉबी एरिया का देख रहे हैं और यहाँ पर वॉल डिज़ाइन। सीढ़ियों के नीचे बेडरूम डिज़ाइन किया गया है, बेडरूम में आपको तमाम एक्सेसरीज इंस्टॉल मिलती हैं। ग्राउंड फ्लोर का विजिट करेंगे जिसमें हमें 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज और किचन की अकोमोडेशन मिलती है। टीवी लाउंज में दाखिल होते हैं 2 बेडरूम और इसी के साथ इसकी बहुत ही खूबसूरत मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। दीवारों के ऊपर भी फ्यूचर वॉल डिज़ाइन की गई है और फ्लोर के ऊपर टाइल वर्क और इसी तरह ऊपर सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत फनोज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और ये इसकी बड़े साइज में इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। दूसरी तरफ 2 बेडरूम और किचन और ये इसका ड्राइंग रूम एरिया। ड्राइंग रूम को सेपरेट किया गया है वुड का और ग्लास का इस्तेमाल करते हुए। दाखिल होते हैं, सामने बड़े साइज की विंडो मिलती है सेफ्टी के साथ। दीवारों के ऊपर फ्यूचर वॉल डिज़ाइन मिलती है डोर बाहर से सेस के लिए और दूसरी तरफ भी आपको मेन दीवार के ऊपर फ्यूचर वॉल का इस्तेमाल मिलता है। और ऊपर देखें तो इसकी सीलिंग डिज़ाइन, फ्लोर के ऊपर टाइल वर्क। और चलते हैं इसके किचन की तरफ, किचन में दाखिल होते हैं तो सामने आपको डोर मिलता है बैक फुट की स्ट्रीट में जाने के लिए। यहाँ पे अपर और लोअर कबर्ड्स इंस्टॉल की गई हैं, बर्नर और किचन हुड यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिलेगा किचन के अंदर। डिशवाश एरिया और वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है आपको यहाँ पे। काउंटर के ऊपर ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया और इसी तरह यहाँ पे इसका बर्नर और किचन हुड आप देख रहे हैं। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन देखें, बैक स्ट्रीट 5 फुट की जो कि बैक के ऊपर राइट साइड पर छोड़ी जाती है, वॉल डिज़ाइन की गई है। और इसी के साथ हम इसके 1st बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। रूम के अंदर दाखिल होते हैं तो नीचे इसका टाइल फ्लोरिंग देख सकते हैं, सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो सेफ्टी ग्रिल के साथ मिलती है और बैक पे बेड वॉल डिज़ाइन की गई है, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन। और इसी के साथ यहाँ पे इसकी 3 डोर कबर्ड्स इंस्टॉल की गई हैं और ये इसका अटैच बाथ, बाथ में आपको वेंटी मिलती है, ऊपर मिरर और इसी तरह कमोड इंस्टॉल किया गया है और शावर एरिया। चलते हैं इसके 2nd बेडरूम की तरफ, सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम जी ब्लॉक में ये घर लोकेटेड है। मेन बड़ी पार्क जो कि 500 किनाल की है उसके बिल्कुल करीब है। और ये इसके 2nd बेडरूम में दाखिल होते हैं, इसकी वॉल डिज़ाइन देख रहे हैं, सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो, बैक वॉल और ऊपर सीलिंग डिज़ाइन। और इसी के साथ हम चलेंगे इसके अटैच बाथ में, बाथ में दाखिल होते हैं तो सामने ब्लैक और वाइट कलर की बहुत ही खूबसूरत वेंटी, ऊपर मिरर और इसी तरह शावर।
वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन और टाइल वर्क आप देख रहे हैं। सीटेड कमोड और इंडियन कमोड दोनों यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलती हैं। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन और इसमें थ्री डोर वार्डरोब्स यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं। ये था ग्राउंड फ्लोर का विज़िट जो कि हमने मुकम्मल किया। आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है। अगर आप इस घर को विज़िट करना चाहते हैं या मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं सेंटर पार्क के मुतल्लिक, घरों के मुतल्लिक, ब्रांड न्यू यूज़ के अंदर घर लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम में है और जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमें लॉबी जो कि कनेक्ट करेगी थर्ड फ्लोर के साथ। ये स्टेज जा रही है थर्ड फ्लोर की तरफ। यहाँ पे फ्यूचर वॉल डिज़ाइन की गई है आते हुए और ये इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया है। टेरेस के ऊपर आप देखें टाइल वर्क और इसी तरह ऊपर डिज़ाइन इसका फ्रंट एलिवेशन का। बाहर से आपको इसका व्यू करवा देता हूं तो यहां पे आपको 40 फुट का कारपेट रोड मिलता है। मेन बुलेवार्ड के बैक के ऊपर ये घर है और यहां पे भी मुकम्मल टाइल वर्क किया गया है। जैसे ही हम दाखिल होते हैं इसके टीवी लाउंज में फर्स्ट फ्लोर के, तो यहां पे सामने इसकी फ्यूचर वॉल्स डिज़ाइन की गई हैं, बड़े साइज़ की मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आप देख रहे हैं। यहाँ पर ओपन किचन आपको मिलता है दूसरी तरफ। ये इसका किचन डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे आपको ऊपर लोअर कबर्ड्स इंस्टॉल मिलती हैं, बर्नर किचन हुड की ऑप्शन मिलती है, वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है और इसी के साथ काउंटर के ऊपर ब्लैक जेट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। बैक पे यहाँ पे टेरेस डिज़ाइन किया गया है, वॉशिंग एरिया डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं इसके बेडरूम्स की तरफ। 3 बेडरूम यहाँ पर आपको मिलेंगे जिनका विज़िट करेंगे। फर्स्ट बेडरूम में दाखिल होते हैं तो नीचे आपको वुडन कलर की टाइल्स मिलती हैं, वॉल डिज़ाइन और इसी तरह वेंटिलेशन के लिए विंडो, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन। दूसरी तरफ यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कबर्ड्स मिलती हैं। 5 डोर सेक्शन में यहाँ पे इसके वार्डरोब्स इंस्टॉल की गई हैं। अटैच बाथ, बाथ में आपको कमोड की ऑप्शन मिलती है, शावर बेसन की मिलती है और इसी तरह जो तमाम चीज़ें एक्सेसरीज हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल मिलती हैं। 2 बेडरूम जिनका हम विज़िट करेंगे। सेकंड बेडरूम में दाखिल होते हैं तो नीचे आपको टाइल वर्क बड़े साइज़ की मिलती है, वेंटिलेशन के लिए विंडो और बैक पे वॉल डिज़ाइन और यहाँ पे भी 4 डोर सेक्शन में इसकी कबर्ड्स इंस्टॉल की गई हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो, सेफ्टी ग्रिल के साथ और ये अटैच बाथ। बाथ में आपको इंडियन कमोड की ऑप्शन मिलती है, शावर बेसन की मिलती है और इसी तरह वेंटिलेशन के लिए विंडो। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं रूम का। थर्ड बेडरूम में बढ़ते हैं तो ये इसका थर्ड बेडरूम है। नीचे टाइल फ्लोरिंग, इसी तरह वेंटिलेशन के लिए विंडो, फ्यूचर वॉल और ऊपर सीलिंग डिज़ाइन और दूसरी तरफ इसकी 4 डोर सेक्शन में वार्डरोब्स इंस्टॉल की गई हैं, साथ में अटैच बाथ, बाथ में नीचे टाइल और तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिलती हैं। तो नाज़रीन अगर हम बात करें इस घर की प्राइस की तो 2,90,00,000 रुपए इस घर की डिमांड है। 2,90,00,000 रुपए इस घर की डिमांड है जिसमें नगोशिएबल है, कमी पेशी इसमें हो जाएगी। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपके डायरेक्ट ऑनर के साथ मीटिंग पॉसिबल है। तमाम चीज़ें जो आप मालूमात लेना चाहते हैं वो आप कॉल के ज़रिए ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप विज़िट करें इस घर का। इसके अलावा भी हमारे पास घर मौजूद है सेंट्रल पार्क में, ब्रांड न्यू और यूज़ के अंदर कम प्राइस वाले घर भी मौजूद हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, विज़िट के लिए आ सकते हैं। आपके लिए हम अच्छे घर लेके आते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऊपर हम आ चुके हैं तो आप देख सकते हैं फ्लोर के ऊपर मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मार्बल का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर वॉशिंग एरिया डिज़ाइन किया गया है। ऊपर से आप इस सोसाइटी का व्यू कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर डेवलप है, LDA से अप्रूव हाउसिंग स्कीम है, सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।